राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये दो रंग का डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। आप इसको छोटे बच्चे के कार्डिगन में भी डाल सकते हो, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, टॉप में, कहीं भी डाल सकते हो। एक डिजाइन ये 8 फंदे का है, बॉर्डर बना के, जो पहली सिलाई में शुरू किया था, पहली सिलाई से बना के दिखा रही हूँ आपको। पहले हमें एक सिलाई सीधी उतार लेंगे, बॉर्डर बनाने के बाद सारे फंदे सीधे बना लेंगे। पहली सिलाई है ये, सीधी सिलाई है। अब आगे दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। दूसरी सिलाई में भी सारे फंदे हमने उल्टे बना लेंगे। अब आगे तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई सीधी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में दूसरा रंग लगा लेंगे, क्रीम रंग। एक फंदा ये सिलाई के लिए हमारा, दोनों कोने पे एक एक फंदा रख लेंगे, डिजाइन से अलग है ये फंदा। फिर आगे एक फंदा सीधा, एक फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे ऐसे। फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे बना लिए। अब एक डिजाइन ये है हमारा, 5 फंदे सीधे बना लिए, एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर एक फंदा बना लिया, एक स्लिप कर लिया। ये 8 फंदे का डिजाइन है। ये 2 फंदे छोड़ के, ये फंदा तुम्हारा सिलाई के लिए है, ये वाला फंदा डिजाइन को सेट करने के लिए है। एक स्लिप कर लिया, एक फंदा सीधा बना लिया, एक स्लिप कर लिया, फिर 5 फंदे सीधे बना लिए। यही 8 फंदे आगे बनाएंगे हम, यही डिजाइन 8 फंदे का। एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे, फिर एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया। जिस तरह ये इधर कोने पे है, अब ये आधा डिजाइन आ गया। एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, फिर एक फंदा और ये बना लिया, फिर कोने वाला ये भी सीधा बना दिया। अब आ गई उल्टी सिलाई, चौथी सिलाई। अब ये तीसरी सिलाई थी, अब चौथी सिलाई आ गई। पीछे धागा करके जो फंदे बनाए थे वो फंदे भी हम सीधे बना देंगे। अब उल्टी साइड है ये, उल्टी साइड से भी हम सीधे बना रहे हैं, जो फंदे बनाए थे उनको सीधा बना देंगे। फिर अपनी तरफ धागा करके एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर पीछे धागा करके एक फंदा बना दिया, फिर अपनी तरफ धागा करके ये फंदा स्लिप कर लिया। जो तीसरी सिलाई में, सीधी सिलाई में हमने स्लिप करे थे फंदे, वो फंदे हमें अब भी स्लिप कर लेंगे चौथी सिलाई में। पीछे धागा करके फिर 5 फंदे सीधे, ये जो फंदे बना रहे हैं सीधी सिलाई में भी सीधे बनाए थे, अब उल्टी सिलाई में भी सीधे बना रहे हैं इनको। अब यही 8 फंदे बनाएंगे आगे। एक फंदा ये स्लिप कर लिया, पीछे धागा करके एक बना लिया, फिर अपनी तरफ धागा करके एक स्लिप कर लिया, पीछे धागा करके 5 फंदे सीधे बना लिए, फिर अपनी तरफ धागा करके एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, फिर एक फंदा बना दिया ये। अब ये कोने वाला भी ऐसे बना दिया। अब ये 4 सिलाई होगी। अब आ गई 5वीं सिलाई। 5वीं सिलाई भी हम जिस तरह हमने तीसरी सिलाई बनाई थी यूं ही बनाएंगे। जो फंदा स्लिप किया था हमने तीसरी सिलाई में, अब 5वीं में भी स्लिप कर रहे हैं ये फंदा। फिर एक फंदा सीधा बना दिया। अब ये सीधी साइड है, सीधी साइड में भी हम सीधी सिलाई बना रहे हैं। फिर
फिर ये फंदा स्लिप कर लिया, जिस तरह हमने तीसरी उतारी थी अब पांचवी को भी यूँ उतार लेंगे। पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, अब ये ही आठ फंदे बनाएंगे आगे। एक स्लिप कर लिया, ये एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, फिर पांच फंदे सीधे बना लेंगे। एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, फिर एक स्लिप कर लिया, एक फंदा बना लिया, फिर ये कोने वाला भी ऐसे बना दिया सीधा। अब आगे छठी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब छठी सिलाई में भी उल्टी साइड है, ये फंदे हम सीधे बनाएंगे। एक स्लिप कर लिया, पीछे धागा करके एक सीधा बना लिया, फिर एक स्लिप कर लिया, फिर पीछे धागा करके पांच फंदे ये सीधे बना लिए। ये फंदे उल्टी साइड से भी सीधे बना रहे हैं, सीधी साइड से भी सीधे बना रहे हैं। एक स्लिप कर लिया, पीछे धागा करके एक सीधा बना लिया, फिर एक स्लिप कर लिया, पीछे धागा करके पांच फंदे सीधे बना लिए, फिर अपनी तरफ धागा करके एक स्लिप कर लिया, एक सीधा बना लिया, फिर एक स्लिप कर लिया, एक सीधा बना लिया, फिर ये कोने वाला भी सीधा बनाओ उल्टा बनाओ वो अपने हिसाब से कर लेना कोने वाला। ये सिलाई के लिए फंदा है। अब ये छह सिलाई उतार ली, अब आ गई सातवीं सिलाई। अब सातवीं सिलाई में फिर हम जिस रंग का हमने बॉर्डर बना रखा है इसी रंग से बनाएंगे, सारे फंदे सीधे बना लेंगे। सातवीं सिलाई है ये, जो स्लिप करे थे वो भी बना लिए, जो फंदे हमने करीम बनाए थे वो भी बना लिए। अब सारे फंदे बना लेंगे। अब आ गई आठवीं सिलाई, उल्टी सिलाई। अब आठवीं सिलाई में सारे फंदे उल्टे बना लेंगे, जिस तरह हमने दूसरी सिलाई बनाई थी आठवीं सिलाई भी हम इस तरह बना लेंगे। अब आ गई नौवीं सिलाई। नौवीं सिलाई में हमने डिजाइन इसी तरह बनाएंगे, थोड़ा हाँ पलट के बनाएंगे डिजाइन को हम। अब करीम रंग का धागा चलाएंगे, एक फंदा ये बना लिया। अब देखो ये फंदे तीन हैं, ये फंदे तीन हैं। अब इनमें से एक इधर से मिला लेंगे, एक इधर से इस जगह, ये तीन फंदे जो इस जगह ये पांच बना देंगे, ये वाले पांच इस जगह ये पांच बना देंगे, और इस जगह बना देंगे ये तीन फंदे इस जगह। अब डिजाइन को पलट देंगे। अब देखो ये तीन फंदे हैं बीच के ये। अब ये एक फंदा है जो हमने ज़्यादा रखा था, वो फंदा अब एक दो तीन चार और एक फंदा इनमें से मिला लेंगे पांच। पांच फंदे सीधे करीम की बारी आएगी, सॉरी नौवीं सिलाई है ये। एक फंदा ये बना लिया, तीन फंदे ये बना लेंगे, दो तीन चार और एक इनमें से मिला लेंगे पांच। अब पांच फंदे सीधे हो गए, फिर एक फंदा स्लिप कर लिया, एक फंदा बना लिया, एक स्लिप कर लिया। अब देखो ये तीन आगे बीच में, एक ये मिला लेंगे, एक इधर से मिला लेंगे। अब इनके बीच के तीन है जो, वो फंदे ये बना लिए हमने, एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, फिर एक स्लिप कर लिया। अब ये आठ फंदे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यही आठ फंदे का डिजाइन आगे बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, फिर एक स्लिप कर लिया, फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, कोने वाला भी सीधा बना दिया। अब आ गई दसवीं सिलाई। अब दसवीं सिलाई में
उल्टी साइड है, फंदे हम सीधे बनाएंगे, पांच फंदे सीधे बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर अपनी तरफ धागा करके एक फंदा स्लिप कर लिया, पीछे धागा करके एक बना लिया, फिर एक स्लिप कर लिया, फिर पीछे धागा करके पांच फंदे सीधे बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर एक स्लिप कर लिया, एक फंदा सीधा बना लिया, अपनी तरफ धागा करके एक स्लिप कर लिया, पीछे धागा करके पांच फंदे सीधे बना लिए, फिर ये कोने वाला भी सीधा बना लिया। अब आगे ग्यारहवीं सिलाई, सीधी सिलाई, एक फंदा ये स्लिप कर लिया, पीछे धागा करके अब पांच फंदे सीधे बना लिए, एक दो तीन चार पांच, फिर एक स्लिप कर लिया, एक फंदा बना लिया, एक स्लिप कर लिया, अब यही आठ फंदे बनाएंगे आगे, फिर पांच फंदे सीधे, फिर एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, फिर एक दो तीन चार पांच, फिर कोने वाला भी सीधा बना लिया। अब आगे बारहवीं सिलाई, उल्टी साइड है ये, उल्टी सिलाई बनाएंगे बारहवीं, फंदे हम सीधे बनाएंगे, पीछे धागा करके एक दो तीन चार पांच, फिर अपनी तरफ धागा करके एक स्लिप कर लिया, एक फंदा सीधा बना लिया, फिर एक स्लिप कर लिया, अब यही आठ फंदे बनाएंगे आगे, पांच फंदे सीधे, तीन चार पांच, फिर अपनी तरफ धागा करके एक स्लिप कर लिया, एक सीधा बना लिया, एक स्लिप कर लिया, अब ये बारह सिलाई का डिजाइन हो गया। यही बारह सिलाई हम आगे बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, यही बारह सिलाई पहली सिलाई से फिर शुरू करेंगे, तो देखो ऐसा डिजाइन बनेगा। हाँ जी, मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।